अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, वॉइस ऑफ रूही न्यूज के साथ मैं हूं नायला भट्टी। सबसे पहले शामिल करते हैं आज की अहम खबर। तहसील जामपुर के नवाही कस्बा कोटला मुगलान सूरज प्रेस क्लब की तंजीम साजी मुकम्मल। मोहम्मद इम्तियाज खान लगारी सदर सूरज प्रेस क्लब मुंतखब। हलफ बरदारी की तकरीब का इनेकाद। नौ मुंतखब अहदेदारान मेंबरान ने हलफ उठा लिया। सहाफत रियासत का चौथा सुतून है। सहाफी हजरात ग्रुपबंदी से मबरा होकर के इलाके के मसाइल मुस्बत अंदाज में बयान करें। मजलूम की आवाज बनकर के ऐवानों तक अवामी मसाइल पहुंचाएं। इन ख्यालात का इजहार उम्मीदवार मेंबर सूबे असेंबली मिर्जा शहजाद हुमायूं ने सूरज प्रेस क्लब की हलफ बरदारी की तकरीब से खिताब करते हुए किया। सूरज प्रेस क्लब के नौ मुंतखब सदर मोहम्मद इम्तियाज खान लखारी, जनरल सेक्रेटरी मलिक मोहम्मद आतिफ खोकर, चेयरमैन प्रेस क्लब मलिक मुख्तियार अहमद खोकर, सरपरस्त आला मोहम्मद शाहजहां राजपूत, सीनियर नायब सदर रानश बशीर अहमद राजपूत, नायब सदर मिर्जा मोहम्मद अदनान हशमत, नायब सदर मोहम्मद अकबर जतोई, फाइनेंस सेक्रेटरी मोहम्मद जुल्फिकार चंचन से सरदार मिर्जा शहजाद खान हुमायूं ने हलफ लिया और चेयरमैन मजलिस आमला से साजिद अब्बास काजमी, वाइस चेयरमैन हमजा जलील ईवान, इमरान मुश्ताक अहमद जतोई, अब्दुल हमीद मुगल, मिर्जा शमसुर रहमान, मीर राहब हुसैन से डिस्ट्रिक्ट सदर मंसूर खान संचरानी ने हलफ लिया। इस मौके पर साबिक मेंबर जिला कौंसिल मिर्जा महबूब सिकंदर, साबिक उम्मीदवार नायब नाजिम मिर्जा गुलनवाज खान, जिला सदर सरदार मंसूर अहमद संचरानी, मलिक सैफुल्ला जकर, एडवोकेट मिर्जा शाहसेफ खान के अलावा मोहम्मदपुर, जामपुर, राजनपुर, कोटमिठन के प्रेस क्लब की तंजीम के नुमाइंदगान मुजाहिद सलीम मुगल, सदर प्रेस क्लब मोहम्मदपुर दीवान चीफ सरदार सरवर कुरेशी साहब, सरवर कुरेशी साहब अमजद आरबी, मुनवर इकबाल सुखानी, अहमद नवाज राव, साद खान गशकोरी, मलिक बिलाल खान बबर, मलिक सज्जाद खान बबर, इखलाक अहमद खान पताफी, शाहजहां लश्वारी, मोहम्मद ताहिर बोसन, सज्जाद हाफिज अहमदानी, शाहसेब अहमदानी के अलावा सियासी समाजी मजहबी अंजुमन दुकानदारान जीशान मुनीर भट्टी, महबूब अहमद भट्टी, मेहरान मुनीर भट्टी, शुएब अहमद भुट्टा, सरदार अख्तर खान लगारी, आलमगीर खान लगारी, अजहर खान लगारी, सैफुल्ला अहमदानी, पंजाब पुलिस मुजाहिद हुसैन लगारी, मलिक तनवीर अहमद सिक्योरिटी ब्रांच और दीगर की कसीर तादाद में शिरकत।